हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थल है जो टूरिस्ट और पर्यटकों के बीच भी बहुत ज्यादा फेमस है। ऋषिकेश, ऋषियों का धाम, भारत के उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी माना गया है। तो आइए जानते हैं कि ऋषिकेश में 10 ऐसी कौन सी जगहें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। यह है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह बनवाया था अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए। लक्ष्मण झूला करीब करीब 90 साल पुराना है। 1923 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस झूले की जरूरत आन पड़ी, तभी इस झूले की नींव रखी गई थी और गंगा नदी पानी के तेज बहाव के कारण इसकी नींव दो बार बह चुकी थी और 1930 में कहीं जाकर इस पुल का निर्माण हुआ। लक्ष्मण झूला तकरीबन 450 फीट लंबा है और ये माना जाता है कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जूट का पुल बनाया था और उस पे बैठ के तपस्या की थी, इसलिए इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा है। भगवान शिव की मूर्ति। मूर्ति में आपको भगवान शिव बैठ के ध्यान लगाते हुए मिलेंगे, जिसमें भगवान शिव की आंखें बंद हैं। यह मूर्ति गंगा नदी के बीचों बीच बसी है और बिना किसी शक के ये नजारा बहुत ही जबरदस्त है। परमार्थ निकेतन आश्रम का नजारा, जहां पर ये मूर्ति स्थित है, अपने आप में एक बहुत ही शांत और सुंदर नजारा देता है। यह मूर्ति तकरीबन 14 फीट ऊंची है और पर्यटकों के बीच ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध। नंबर 3 पे है ऋषिकुंड, और ऋषि कुब्ज की तपस्या से प्रसन्न होकर यमुना जी इस कुंड में आई थी, और इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि इस कुंड में यमुना जी का जल कहां से आया। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जब श्री राम जी ने रावण का वध किया था, तो ब्राह्मण हत्या का दोष हटाने के लिए श्री राम जी ने यहां पर तपस्या की थी। इसीलिए जब भी आप ऋषिकुंड जाएंगे तो आपको वहां पे माँ सीता और श्री राम जी की मूर्ति के दर्शन होंगे। ये माना जाता है कि ऋषिकुंड तकरीबन 400 से 500 साल पुराना है, इसीलिए यह जगह पर्यटकों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध है। नंबर 4 पे है त्रिवेणी घाट की आरती। गंगा की आरती ऋषिकेश का एक बहुत ही पुराना रिचुअल है जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है। यह आरती समय यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। यह घाट पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा बनवाया गया था 1748 में, और पेशवा बालाजी बाजीराव ही वो पहले इंसान है जिन्होंने यहाँ पे गंगा की आरती करी थी। माना जाता है कि अगर आप इस आरती में रहते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 5 पे है भरत मंदिर। भरत मंदिर स्टेशन से 2 किलोमीटर और बस स्टॉप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। राभ्या ऋषि और सोम ऋषि जी की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर माया रूप में इनको यहाँ पे दर्शन दिए थे, और साथ ही साथ विष्णु जी ने कहा था कि कलयुग में भरत नाम से यह मंदिर यहीं स्थापित होगा। भरत मंदिर में 250 साल पुराना वटवृक्ष पीपल और बेल पत्तों का पेड़ है, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के होने का साक्षी है, और इसी वजह से यह मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच बहुत मशहूर है। भरत मंदिर घूमने में आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है, और इस मंदिर में आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा जो कि घूमना जरूर बनता है। भरत मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। भरत मंदिर जाने की कोई फीस नहीं है, और यह मंदिर आना वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 6 पे है त्रिम्बकेश्वर मंदिर। त्रिम्बकेश्वर मंदिर ऋषिकेश। त्रिम्बकेश्वर मंदिर से गंगा जी का नजारा अभूतपूर्व है, और इस मंदिर से आप लक्ष्मण झूला भी देख सकते हैं। त्रिम्बकेश्वर मंदिर की सीढ़ियां 13 मंजिल ऊपर त्रिम्बकेश्वर भगवान तक जाती हैं, और यहां के लोकल्स ये मानते हैं कि ये मंदिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी के आसपास बनवाया था। त्रिम्बकेश्वर मंदिर में कोई लिफ्ट और एलिवेटर्स नहीं है, आप व्हीलचेयर्स और प्रैम्स नहीं ला सकते, तो आप इसी हिसाब से यहां पर आने की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम जो कि 84 कुटिया के नाम से भी मशहूर है, ऋषिकेश उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये आश्रम महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर था। इस आश्रम को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तब मिली जब 1968 में इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स यहाँ पर मेडिटेशन करने आए। ये माना जाता है कि यहाँ पर स्पेंड करने वाला उनका पीरियड उनका सबसे प्रोडक्टिव पीरियड था, और यहीं पर उन्होंने अपने सबसे फेमस गाने लिखे। बीटल्स आश्रम को 1990 में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद ये जगह बीटल्स आश्रम के नाम से मशहूर हो गई, और फिर दिसंबर 2015 में इसको लोगों के लिए खोला गया, और उसके बाद ये जगह बीटल्स के फैन बेस के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुका है। बीटल्स आश्रम में जाने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, और यहाँ जाने की कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप यहाँ मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो अपना खुद का मैट लेके जाएं और अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ये जगह अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रैम या व्हीलचेयर चलाने के लिए जगह नहीं। नंबर 8 पे है नीलगढ़ वाटरफॉल्स। नीलगढ़ वाटरफॉल्स एक 25 फुट ऊंचा वाटरफॉल है जो कि बना है 3 वाटरफॉल मिलाकर, और नीलगढ़ वाटरफॉल्स की ब्यूटी देखते ही बनती है। जब आप नीलगढ़ वाटरफॉल्स जाएंगे
तभी आप जान पाएंगे कि वहाँ की खूबसूरती कहीं से भी अनपैरेलल्ड है। नीलगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको 15 मिनट तक की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, जिसमें आप दो ब्रिज क्रॉस करेंगे जहां से पानी निरंतर बहता रहता है। आपकी ये पूरी जर्नी किसी भी जर्नी से अनकम्पेरेबल। नंबर 9 पे है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर एक बहुत ही प्राचीन पुराने पौराणिक के द्वारा ऋषिकेश ही वो जगह है जहां पे शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था और वो विष पीने के बाद उनका गला नीला हो गया था, इसलिए इस जगह का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा है। नीलकंठ महादेव मंदिर की दो स्पेशल बातें हैं। सबसे पहली कि ये मंदिर 3 पर्वतों से घिरा है जिसका नाम है मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट। और दूसरी कि इस मंदिर की रचना बहुत ही कलरफुल तरीके से की गई है। समुद्र मंथन करते हुए स्कल्पचर्स उनकी एंट्रेंस पे बनाए हुए हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश से कम 32 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में आपको लगेंगे तकरीबन 1 घंटा। अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं तो सुबह 6 बजे आप वहां पहुंच सकते हैं ताकि आप सुबह की भव्य आरती भी अटेंड कर सकें। आ रहे हैं और आपने चोटी वाले का खाना नहीं खाया तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस। चोटी वाले की कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ ऋषिकेश और हरिद्वार में ही आप चोटी वाले का खाना खा सकते हैं। चोटी वाला रेस्टोरेंट जब ऋषिकेश में खुला था तो इसके ओनर्स ने इसकी ब्रांडिंग अलग तरीके से करने का सोचा, इसीलिए उन्होंने एक चोटी वाले बाबा अपने रेस्टोरेंट के सामने बिठा दिए जिनकी मोटी मोटी आंखें और एक बहुत ही लंबी चोटी है। इसी मैस्कॉट ने पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा लुभाया और तभी से इस रेस्टोरेंट का नाम चोटी वाले रेस्टोरेंट के नाम से मशहूर है।